नमस्कार साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सितंबर माह में 14 तारीख को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं और हिंदी बोलने में हमें निश्चित है बहुत फ़ख्र होना चाहिए। अपनी निजता का हमें आभास होता है और भले ही हम कुछ भी सीख लें, कितनी ही भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लें, लेकिन हिंदी क्योंकि हमारी मातृभाषा है। मैं इसी उपलक्ष्य में एक कविता प्रस्तुत करना चाहूँगी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है और ये कविता रचित है श्री कवि श्री आलोक सिंह चौहान के द्वारा। इसमें हिंदी की गाथा स्वयं हिंदी की जुबानी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। कविता कुछ इस प्रकार है। मैं राष्ट्र गगन के मस्तक पर सदियों से अंकित बिंदी हूँ। मैं सबकी जानी पहचानी भारत की भाषा हिंदी हूँ। मैं सबकी जानी पहचानी भारत की भाषा हिंदी हूँ। मेरी बोली को मीरा ने मनमोहक काव्य सुनाया है और सूरदास के गीतों में मैंने कम मान न पाया है। बह तुलसी की रामायण भी मेरे मुख से चरितार्थ हुई, संतों विद्वानों की वाणी गुंजरित हुई और साकार हुई। भूषण रसखान जायसी भी मेरे ही स्वर में गाते हैं और पंत निराला प्रेमचंद मेरी महिमा दोहराते हैं। भारत में जितनी भाषाएं सब मेरी पूज्य सहेली हैं। हम सब में अनुपम प्यार भरा, हम बहने हैं हम जोली हैं। हर एक देश में निज भाषा माँ जैसा गौरव पाती है। हिंदी अपने ही बेटों में दूजी माँ समझी जाती है। जो बेटों में आदर पाए वो माता किस्मत वाली है। जो मुखर राष्ट्र के जनगण में वो भाषा गौरवशाली है। नमस्कार, धन्यवाद।